इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल देश की बड़ी संस्था है। यह संस्था दिन प्रतिदिन अपने कामों का विस्तार कर रहा है। संस्था के लोगों का प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी कड़ी में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की उड़ीसा शाखा ने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें उड़ीसा सरकार के ई और आईटी खेल और युवा माननीय मंत्री श्री तुषार बेहरा ने वर्चुअली भाग लिया। इस ऑफिस ओपन सेरेमनी में संस्था के इंडियन नेशनल बोर्ड के अध्यक्ष नशीत अफरोज के साथ सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल मुंबई, मैं आज उड़ीसा में अपने जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का ऑफिस ओपन हुआ है उसके उद्घाटन के सिलसिले में आज यहाँ शामिल हुआ हूँ। जैसा कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और हमारी जो टीम केतन जी की जो टीमें काम कर रही है, जिस हिसाब से उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा कि आज उड़ीसा में एक ऑफिस के शुभारंभ हुआ, जिससे आगे जो साहे और जनसाहे लोग हैं उनको जन जन तक योजनाएं और मानवाधिकार के प्रति सारी जागरूकता के जो मानवाधिकार की जागरूकता है उसके प्रति हम लोगों का यही उद्देश्य है कि जो गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले गली गली तक ये मानवाधिकार जागरूक हो जाए। और हमारी जो हमारा जो असली मेन उद्देश्य है वो है सभी डिस्ट्रिक्टों में और उड़ीसा के 30 डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक उद्देश्य है कि हम गरीबों के लिए वृद्ध और बच्चों के लिए ओल्ड एज होम की हम जल्दी प्रपोजल तैयार हो चुका है हमारा। ओल्ड एज होम के लिए हम जल्दी ही 30 डिस्ट्रिक्ट में हम अपने ओल्ड एज होम संचालित करेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के माध्यम से। और उसमें बहुत सारी चीजें सुविधाएं जैसे पार्क है, अस्पताल है, तो इसी तरीके का हमारा पूरा प्लानिंग तैयार हो चुका है। उड़ीसा है और बाकी सभी स्टेटों में इसी तरीके से हमारा प्लानिंग के तौर पर सारा कार्य चल रहा है। कितने सदस्य हैं आपके? हमारे उड़ीसा के अंदर हमारे हजारों से ज्यादा है, हजारों की तादाद में है। अभी काफी तेजी से काम चल रहा है हमारा, हमें ज्यादा साल नहीं हुए उड़ीसा के अंदर विस्तार हुए, मगर ये है कि हमारे काफी डिपार्टमेंट है, सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, पब्लिक डिपार्टमेंट है, अर्बन रूरल डिपार्टमेंट है, तो इसी तरीके से हमारी टीमें और भी काम कर रही हैं। और इसी स्तर पर हम पूरे जोर शोर से मानवाधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए और जो अवेयरनेस कैंप वगैरह है, हमारे वर्कशॉप वगैरह वो हमारे हर महीने संचालित होते हैं। मंत्री जी ने जो बोला कि यूएन के सपोर्ट से आप काम कर रहे हैं उसके बारे में? हाँ, यूएन हमारा जो स्टेटस है, हमको यूनाइटेड नेशन से स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। इसी के माध्यम से हम जो भी योजनाएं है, प्रस्तावित योजनाएं होती है, उसी के आधारशिला पर हम पूरा कार्य करते हैं। और जिससे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और मेरा पत्रकार जितने भी उड़ीसा के पत्रकार बंधु हैं उन सबको मेरा नमस्कार और मैं शुक्रिया के साथ धन्यवाद। काउंसिल अंतर्जातीय मानवाधिकार परिषद तरफ आज उड़ीसा वासन को अशेष अशेष प्रणाम एवं धन्यवाद जनाऊँ रथलक्षे तथा आज आम स्टेट अफिस् ओपन कराला जनकल्याण उद्देश्य आम ओडे प्रत्येक जिले में शाखा कार्यालय उन्मोचन कर सारी सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण विभाग तरफ समस्त को आम अनुरोध रहा कहार जदि किसी कौन प्रकार मानवाधिकार अनुन हो अभोग कले आम कार्यालय तथा जिला शाखा कार्यालय आम तुरंत तार पदक्षेप नेबु एवं मानवाधिकार रक्षा करने आम टीम सजग अच्छा साहय हाथ बढ़े। आम पाखक जदि कौन रिपोर्ट आसे आम कनसर्ण अथरीटी जनाऊ तार भावेशन आम नोटिस करू जे देखु यही असुविधा है यार कौन करागले कौन समाधान हम काउनसलिंग हूँ आम मुख्य माध्यम काउनसलिंग उपाय पर शांति रक्षा कर मुख्य लक्ष्य से ग्राउंड जीरो में टीम सजग अच्छा पर भर काउनसलिंग करती दरकार पड़े निकटस्थ ऊपर कर्मचारी सहित आलोचना माध्यम रे बहुत किसी समाधान होता है। आमर प्रत्येक जिले में 10 जन लाखे टीम अच्छा ब्लॉक स्तरीय मेंबर अच्छा ब्लॉक स्तरीय टीम अच्छा ओडिशा रे 200-300 टीम तथा लोक आम काम कर सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। हाँ